इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने समय पर वेतन नहीं दिए जाने और अकारण कर्मचारी को नौकरी से निकालने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। मांग पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। इंदौर के सावे रोड स्थित अरविंदो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अरविंदो मजदूर यूनियन के अध्यक्ष के अनुसार अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी कार्यों को ठेके पर दिया गया है, जिससे यहां कार्य कर रहे कर्मचारियों का हनन हो रहा है। पिछले दो सालों में करीब 200 से अधिक अस्पताल के कर्मचारियों को बिना कारण बाहर का रास्ता दिखाया दिया गया। वहीं अरविंदो के कुछ अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार के कारण यहां के कर्मचारी खासे परेशान हैं। इसके साथ अस्पताल में पदस्थ कर्मचारियों को 3-3 माह की देरी से वेतन दिया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। नाराज कर्मचारियों ने अरविंदो प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चेतावनी दी है कि उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने के लिए वे मजबूर हो जाएंगे। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, NC24 न्यूज।